श्री हरिहर हॉस्पिटल। बहुत ही दुखद क्षण है कि हमारी प्यारी नैना, जो क्लास सिक्स की स्टूडेंट थी, आज हमारे बीच में नहीं है। नैना बहुत ही होनहार, पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अफेक्शनेट बच्चा था, जिसे सब कोई स्कूल में याद करता और मिस करता है। आज हमारा पूरा डीएवी कुल्लू, समस्त डीएवी कुल्लू परिवार नैना के पेरेंट्स के साथ है और उनके दुख में शामिल है। नैना एग्ज़ाम देने के बाद अपनी नानी के घर जा रही थी कि किसी एक रास्ते में कोई एक्सीडेंट में ये हादसा हुआ और नैना को यहाँ से रेफ़र करके पीजीआई भेजा गया। नैना के फादर, जो कि चीफ फार्मासिस्ट हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जब हमें पता चला तो हमारा उनके साथ कांस्टेंट कांटेक्ट था और वो हर बार हमको यही हिम्मत बता रहे थे। वो बता भी रहे थे कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, हम ये कहते थे नहीं, प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और हम सब प्रेयर कर रहे थे स्कूल की, शायद कोई मेरिकल हो और नैना ठीक हो जाए। और सुबह 7 तारीख को सुबह भी मेरी उनसे बात हुई, तब भी उन्होंने यही कहा कि मैम कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करें, तो मुझे लगा कि शायद मुझे कहीं सुनने में गलती तो नहीं लगी, पर मैंने दोबारा उनसे नहीं पूछा। और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया कि मैम नैना नहीं रही। इसमें नैना के साथ तो जो भी हुआ, पर उसी समय मैंने उसके पापा को बोला जब उन्होंने बताया कि नैना नहीं गई, आपने तो उनको 4 लोगों में जीवंत कर दिया। नैना को ऑर्गन, इतना बड़ा डिसीजन आपने लेके, बहुत मुश्किल है किसी पेरेंट के लिए ऐसा डिसीजन लेना कि अपने बच्चे के लिए कि वो उसके ऑर्गन, उसके कॉर्नियाज और किडनीज, उन्होंने की 4 लोगों को ज़िंदगी मिली। इसके लिए इवन पीजीआई के डायरेक्टर और जो चंडीगढ़ की न्यूज़ है, उन्होंने भी इसको बहुत ही अप्रिशिएट किया। उन सच में ये बहुत ही गर्व की बात है और उन पेरेंट्स को हम भी सैल्यूट, दोज पेरेंट्स की, जिन्होंने ऐसी घड़ी में भी अपने बच्चे के ऑर्गन्स देने के लिए ये निर्णय ले लिया और कितनी 4 जिंदगियां बचाई। और हमारी नैना कहीं भी नहीं जा रही। मैं उनके पापा को ये बोल रही थी कि अब नैना हमको 4 लोगों में दिखाई देगी।